Good morning, students. I am Varnish Kumar. Today I am dealing the topic that is the non-experimental research design. So let's see the non-experimental research design, that is comes under the quantitative research design. Under this non-experimental research design, descriptive design is there, correlational research design, development research design, epidemiological research design, and survey research design. So first, we will see the what do you mean by non-experimental research design. No external variables are introduced. It is a research design in which the variables are not deliberated, manipulated, and nor in the research control. ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल मतलब मैनिपुलेशन नहीं करते हैं. जो हमको टॉपिक मिलता है, जो स्टडी करने का टॉपिक मिलता है, उसको एज इट इज़ हम उनको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, इसमें वेरिएबल्स का बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. क्लियर है? तो नो एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर इंट्रोड्यूस. इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन विच वेरिएबल्स आर नॉट डेलिब्रेटेड एंड मैनिपुलेटेड. कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं एंड नॉर इन सेटिंग कंट्रोल. क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अंडर दिस: डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशन डिज़ाइन, डेवलपमेंट डिज़ाइन, एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन, एंड सर्वे डिज़ाइन. First is a descriptive research design. The purpose of the descriptive study is to observe and describe, document aspect of a situation as a naturally occur, and sometime to serve as starting point to hypothesis generation or theory development. ठीक है, descriptive design research design, जिसमें हम डिटेल से स्टडी करते हैं और प्लस हम नॉर्मल जो लाइफ सिचुएशन है उसके ऊपर जनरली हम करते हैं. ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है एंड थ्योरी डेवलप भी करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में. क्लियर है? डिस्क्राइब करते हैं हम, डिटेल से करेंगे, और प्लस हम लाइफ सिचुएशन के ऊपर, नेचुरली लाइफ पेशेंट के ऊपर, या फिर सैंपल लेके करते हैं जिसमें हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं एंड थ्योरी डेवलप करते हैं. क्लियर है? डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन इज अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट: इनवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी एंड कंपैरेटिव. द यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. ठीक है, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रिक्वेंसी और ऑकरेंस ऑफ द फिनोमिना. दिस नेसेसरी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ सिंगल वेरिएबल. देयर मे बी वन और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द स्टडी. ठीक है, इसमें इस स्टडी यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. ठीक है, इसमें हम जैसे लाइफ सिचुएशन के लिए कर रहे हैं कोई डिजीज़ के बारे में, तो वो डिजीज़ कितने फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, कितने लोगों को अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, इसके बारे में हम जनरली यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में पढ़ते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रीवेलेंस ऑफ बैकएक अमंग द नर्सेज वर्किंग इन द क्रिटिकल यूनिट ऑफ द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में ये स्टडी हुआ है, जिसमें लोग डिस्क्रिप्टिव यूनिवेरिएंट डिज़ाइन यूज़ किया गया है. इसलिए क्योंकि इसमें प्रीवेलेंस देखे हैं कि जो आईसीयू जो है, क्रिटिकल जो केयर में जो वर्क करते हैं नर्सेज, उनको बैकएक ज़्यादा होता है, क्योंकि फुल टाइम वो नाइट में वो स्टैंडिंग पोजिशन में रहती हैं, देखा जाए तो वार्ड के हिसाब से. ठीक है, वार्ड या किसी प्राइवेट वार्ड के हिसाब से जो क्रिटिकल आईसीयू में वर्क करती हैं उनको ज़्यादा प्रीवेलेंस से बैकएक होता है. तो ऐसे उन्होंने सैंपल लिए हैं. ठीक है, आईसीयू के पेशेंट को या फिर वार्ड, जनरल वार्ड के पेशेंट नर्सेस को लेके ये स्टडी किया है. ठीक है, तो कितने प्रीवेलेंस में बैकएक हो रहा है, ये फ्रिक्वेंसी में कितना है, ये वो डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो ये होगा यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. द एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन इज़ अ यूज टू आइडेंटिफाई द एक्सप्लोर एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड रिलेटेड फैक्टर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड द स्टडी ऑफ रिलेटेड फैक्टर टू इम्प्रूव फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेस अंडरस्टूड फिनोमिना. ठीक है, जिसमें एक्सप्लोर डीप स्टडी करेंगे, जो चीज़ हम सब जिस टॉपिक के क्लियर नहीं होता है उसको हम डिटेल स्टडी करके उस बारे में हम डिटेल्स स्टडी करते हैं, वो होता है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन. फॉर एग्जाम्पल,
exploratory study to contribute the factor of sleep disturbance among the patient admitted in the emergency unit of Nehru. सभी इमरजेंसी यूनिट में, हॉस्पिटल में, कैजुअल्टी में, वहाँ के पेशेंट स्लिप डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि वहाँ पर पेशेंट बार बार आते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर स्लिप डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है. एक्सप्लोरेटरी स्टडी को कंट्रीब्यूट द फैक्टर, क्या फैक्टर है जिससे स्लिप डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पेशेंट रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, कंटिन्यू एडमिट होते हैं, तो इसी कारण कैजुअल्टी में इमरजेंसी यूनिट में स्लिप डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है. क्लियर है. एक्सप्लोरेटरी डिजाइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सप्लोर रिजल्ट द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड रिलेटेड फैक्टर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी टू रिलेटेड फैक्टर टू इम्प्रूव द फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेस अंडरस्टूड फिनोमिना. नाउ कंपैरेटिव डिजाइन. कंपैरेटिव डिजाइन इन्वॉल्व कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टू और मोर सैंपल of the study subject one or more variables at a single time. सिंगल टाइम में हम कंपेयर करेंगे. जब कंपेयर स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन को जानना है ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में, GNM थर्ड ईयर वाले बच्चों को कितना नॉलेज है और BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के बच्चों को कितना नॉलेज है. अगर दोनों ग्रुप में हम कंपेयर करेंगे और स्टडी करेंगे तो कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन अप्लाई होगा. क्लियर है. यही होगा कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन. A comparative study on the health problem among rural and urban older people in the district Bikaner Rajasthan. Example में आप डाल सकते हो. Comparative study किए हैं health problem of rural and urban older people. दोनों में क्या compare health problem क्या क्या generally होता है, ठीक है. Rural वाले लोगों को physical work ज़्यादा करते हैं इसीलिए उनको healthy रहते हैं. Urban जो रहते हैं ओल्डर, ठीक है, वो जनरली घर में रहते हैं, रेस्ट रहता है, इसीलिए उनको डायबिटीज और ये सारी डिजीज ज़्यादा होते हैं. तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दोनों ने कंपेयर किए हैं. क्लियर. तो ये कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन होगा. या कोरिलेशनल, ठीक है, दिस इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेयर द रिसर्च एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, कोरिलेशन याद रखना, दोनों वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर अबाउंग द पीपल इन न्यू दिल्ली, ठीक है. दोनों के बीच हम कोरिलेशन देखें, क्योंकि स्मोकिंग कर रहा है तो लंग कैंसर पेशेंट को होगा ही, ठीक है. तो दोनों के बीच रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्मोकिंग है इसलिए लंग कैंसर. टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है. ये कोरिलेशन को दो में डिवाइड किया है, प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव. क्या होता है, ये डिज़ाइन विथ रिसर्च रिलेटेड टू प्रेजेंट टू फ्यूचर इन प्रोस्पेक्टिव रिसर्च. ऐसा स्टडी जो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशन स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ द maternal inspection during the infection during the pregnancy on the fetal development of the pregnancy. अगर maternal antenatal period में ही maternal infection है तो future में baby को भी वो infection हो सकता है, मतलब present से future में. clear है. तो ऐसा study अगर हम कर रहे हैं तो वो prospective research design कहलाएगा. study in which the research related to present to future is a prospective design. clear है. अपोजिट है, ए डिज़ाइन इन विच द रिसर्च स्टडी करेंट फिनोमिना पैसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट रिट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन, ठीक है. अगर प्रेजेंट में अगर कुछ उसको डिजीज है तो अपन को पता चल गया ये डिजीज है तो पास्ट में जरूर वो कुछ किया होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर वो अभी लंग कैंसर है उसको तो पास्ट में वो स्मोकिंग किया है तो हम पूरा हिस्ट्री उससे निकालेंगे, तो वो होगा रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन. ये वाला एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं. रिट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशन स्टडी ऑन द अल्कोहल कंसप्शन पैटर्न अमंग द पेशेंट डायग्नोज विद द अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर है तो वो अल्कोहल लेता था पास्ट में, तो हम पूरा उसका डाटा हिस्ट्री निकालेंगे, कितना लेता है, कितना लेता था पास्ट में, ठीक है, कब से ले रहा है, तो ये सारा चीज़ रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में आएंगे. क्लियर है. डेवलपमेंट रिसर्च डिज़ाइन. डेवलपमेंट रिसर्च डिज़ाइन एग्जामिन द फिनोमेना विद द रिफरेंस टू टाइम, ठीक है. डेवलपमेंट रिसर्च डिज़ाइन जिसमें ऐसा डिज़ाइन जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट देखते हैं और ये जो डिज़ाइन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम रिफरेंस के होता है. फॉर एग्जाम्पल देर आर
two types of development research design, cross-sectional design and longitudinal design. ठीक है, cross-sectional क्या होता है? Cross-sectional design is one in which the researchers collect the data in particular point of time. ठीक है, long term नहीं होता, short term होता है. जिस time पे अगर कुछ situation हो गया है, उस time पे अगर कोई data collection कर रहा है, for example, researchers interested to assessing the awareness on swine flu among the people in the area. ठीक है, swine flu फैल गया है और वहाँ के लोगों से वो डाटा कलेक्शन ले रहा है उसी सिचुएशन के टाइम पे, तो वो होगा क्रॉस सेक्शन. फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 है, ठीक है, स्प्रेड हुआ है, तो उस अभी जाके कोविड-19 के पेशेंट का स्टडी अगर कर रहे हैं इस सिचुएशन में, तो वो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में आएगा. क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन इज यूज टू कलेक्ट द डाटा ओवर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड. लॉन्ग टाइम स्टडी होता है. For example, a researcher interested in perception of the nursing student toward the nursing profession from the beginning of the nursing program to its end. ठीक है, ऐसा study जिसको हम starting से end तक program तक observe करेंगे. For example, अभी BSc nursing first year के बच्चों को आप study करेंगे, उसका क्या perception है nursing profession के बारे में, उसके बाद third year में, second year में observe करना, फिर third year में, fourth year में end तक आपको observe करना पड़ेगा. तो ये वाला स्टडी कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन. क्लियर है? एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन, जैसे नाम है वैसे ही उसकी डिस्क्रिप्शन है. एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन इज ए स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल अगर डिज़ाइन में हम ऐसा स्टडी करते हैं जिसमें हम किसी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोगों को कितने परसेंटेज को हुआ है, क्या कॉजेज है, ठीक है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, पॉपुलेशन के बारे में अपन लोग इस डिज़ाइन में करते हैं. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन. दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कोहोर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी. ठीक है, कोहोर्ट स्टडी क्या होता है? इन द डिज़ाइन लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज इन द एग्जिस्टिंग प्रिज्यूम कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जर्व इन द स्मोकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लंग कैंसर. जैसे कि मैंने लॉन्गिट्यूडनल अभी डिज़ाइन पढ़ाया, सेम वैसे ही लॉन्ग टर्म होता है कोहोर्ट स्टडी, जिसमें हम देखते हैं अगर कोई एरिया के लोग अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना स्मोक कर रहे हैं, एक दिन में कितना लेते हैं, और जब तक उसको डिजीज ना हो लंग तब तक अपन को ऑब्जर्व करना है. तो ये कोहोर्ट स्टडी आएगा. क्लियर है? केस कंट्रोल स्टडी, इन दिस डिजाइन कॉजेज ऑफ डिजीज आर इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ दिस डिजीज. द रिसर्च इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ फॉर ए कोहोर्ट स्टडी. ठीक है, रिसर्च इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग इन द पेशेंट डायग्नोज विद द लंग कैंसर है, तो हम इसका हिस्ट्री से पूरा उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो ये केस कंट्रोल स्टडी कहलाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट इज अ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन. ए सर्वे इज अ रिसर्च डिज़ाइन इन विच यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट विद इन ए गिवन पॉपुलेशन हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, सर्वे डिज़ाइन में हम पर्टिकुलर एक टाइम पे जाएंगे और अपन सर्वे स्टडी डाटा कलेक्शन करके हम स्टडी करेंगे. ठीक है, they are again divided into two types of survey research design depending on the nature of phenomena under the study and based on the method of data collection. ठीक है, survey study हम study है उसको दो में divide किया गया है, on the nature of phenomena. ठीक है, like for example इस type का study है descriptive study, हम survey कर रहे हैं. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, एक्सप्लोर करके कर रहे हैं, डिस्क्राइब डीप स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम दो वेरिएबल्स में, या फिर कोरिलेशन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फिनोमेना. ठीक है, हम सर्वे स्टडी करेंगे. इज द बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. हमारा जो सर्वे स्टडी है वो बेस्ड ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के ऊपर भी हो सकता है. किस बेस से ले रहे हैं? रिटर्न सर्वे ले रहे हैं हम. ठीक है, रिटर्न मतलब उनसे हम खुद क्वेश्चन बनाए हैं, उनसे टिक करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, ओरल उनसे पूछ पूछ के हम खुद से लिख रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, कहीं से कोई डाटा कोई ले रहा है, सर्वे कर रहा है और अपन को वो भेज रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में आएगा. क्लियर है? तो दिस ऑल कम्स अंडर द सर्वे रिसर्च. नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट इज आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज ओवर, नेक्स्ट इज एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन में मेथोडोलॉजिकल स्टडी, मेटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, आउटकम रिसर्च डिज़ाइन, इवैल्यूएशन स्टडी एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये आते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है, जल्दी से आपको। तो अदर एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन में मेथोडोलॉजिकल स्टडी होते हैं, मेथोडोलॉजिकल स्टडी आर कंडक्टेड टू डेवलप द वैलिडेट द टेस्ट, इवैल्यूएट द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, ठीक है। इस मेथोडोलॉजिकल, इसमें नाम से ही है, हम ऐसा स्टडी करते हैं जिसमें हम मेथोडोलॉजिकल, अगर हम कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, मेथड टूल सही है कि नहीं, वो चीज़ अपन लोग इसमें चेक करते हैं ये वाले स्टडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेथोडोलॉजिकल स्टडी टू डेवलप द प्रेशर शोर रिस्क असेसमेंट टूल फॉर पेशेंट एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड। प्रेशर शोर रिस्क असेसमेंट किससे हो सकता है, प्रेशर शो ऐसा है, हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं, और उससे वो टूल्स करेक्ट है कि नहीं वो ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा स्टडी है मेथोडोलॉजिकल स्टडी, क्लियर है। मेथोडोलॉजिकल स्टडी कंडक्टेड टू डेवलप द वैलिडेट द टेस्ट, जो हम क्वेश्चन आयर बनाए हैं, कलेक्ट है कि नहीं उसको इवैल्यूएट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस इज अ रिसर्च डिज़ाइन इन विच द डाटा कलेक्टेड बाय वन रिसर्चर री एनालिसिस बाय द अनदर रिसर्चर, ठीक है। इसका मीन्स यही है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस मीन्स एक कोई रिसर्च किया है रिसर्चर, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन जो सेकेंडरी अगर कोई और है जो उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो डाटा जो कंप्लीट इनकम्प्लीट वाले से हम ले के जब उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा, मगर सेकेंड पर्सन से हम ले रहे हैं, इसीलिए वो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर एक बंदा वो रिसर्च नहीं कर पाया है और उससे हम ले के रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस कहलाएगा। मेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंबाइनिंग द इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग द मल्टीपल रिसर्च स्टडी ऑन द पर्टिकुलर टाइम इन नोन इज मेटा एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, मेटा एनालिसिस स्टडी इन कोपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल विद द कैंसर ऑफ डायग्नोसिस। मेटा एनालिसिस मतलब यदि कोई एक टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू के बारे में कोई स्टडी कर चुका है और हम उस टॉपिक के बारे में फिर से करना चाहते हैं, कर चुके हैं, इनकम्प्लीट नहीं है, वो कर चुका है और उसी टॉपिक को लेके हम फिर से स्टडी करेंगे और री एनालिसिस करेंगे, तो वो होगा मेटा एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, मेटा एनालिसिस स्टडी ऑन द कॉपिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल विद द कैंसर ऑफ डायग्नोसिस, क्लियर। और भी स्टडी है, रिसर्चर यूज टू फ्रॉम प्रीवियस स्टडी ऑन द पेशेंट इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज टेस्ट ऑन एक्सप्लेनेटरी मॉडल फैक्टर अफेक्ट इन द फंक्शनल स्टेटस इन दिस डिसऑर्डर, ये एग्जाम्पल में आप डाल। और नेक्स्ट चीज है आउटकम रिसर्च। आउटकम रिसर्च इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ केयर प्रैक्टिस सिस्टम इन द प्लेस इट इज द यूज टू नर्सिंग डेवलप द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव द नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। आउटकम जिसमें आउटकम हम देखते हैं ऐसा रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, ये जनरली नर्सिंग में किया जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल, आउटकम रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन नेहरू हॉस्पिटल, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन्होंने देखा कि वो करा रहे हैं तो क्या आउटकम आ रहा है, ठीक है, तो ये सब आउटकम रिसर्च डिज़ाइन में आएगा, क्लियर। इवैल्यूएशन स्टडी, इवैल्यूएशन रिसर्च स्टडी आर अप्लाइड फ्रॉम द रिसर्च डिज़ाइन विच इन्वॉल्व द जजमेंट अबाउट हाउ वेल द स्पेसिफिक प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोसीजर पॉलिसी इज वर्किंग, ठीक है। इवैल्यूएशन स्टडी क्या होता है, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम चालू हुआ है, ठीक है, वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस करवाना चाहे, प्रोसीजर सिखाना है, तो प्रोसीजर कैसे सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि नहीं प्रोसीजर, वो सारा चीज़ इवैल्यूएशन स्टडी में आएगा, क्लियर है। इसमें दो टाइप से हैं इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च होता है, सममेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च होते हैं। फॉर्मेटिव रिसर्च, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के नेशनल रूरल मिशन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जांपल नेशनल NRHM का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करेंगे कि स्टेप वाइज वेज चल रहा है कि नहीं, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च होगा, ठीक है, बीच से ही ऑब्जर्व करते हैं। सममेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च प्रोग्राम लास्ट में उसका फीडबैक देखते हैं कि कैसा था, ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं, सममेटिव इवैल्यूएशन वही होगा, और फॉर्मेटिव स्टार्टिंग से ही हम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि नहीं वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप इन इवेल्युएशन स्टडी टू इम्प्लीमेंटेड द नेशनल रूरल प्रोग्राम मिशन प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने एरिया के डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडी टू कम्प्लेक्स ह्यूमन सैनिटाइज ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टू डेवलप न्यू नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम यूज फैसिलिटी एंड पर्सनल ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइज। ऑपरेशनल रिसर्च मतलब जो हम लाइव करते हैं ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है वो। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशनल रिसर्च स्टडी टू पेशेंट कम्फर्ट द परसेप्शन ऑफ द सिंगल एंड डबल कॉरिडोर वार्ड डिजाइन इन द सेलेक्टेड हॉस्पिटल इन ड्यू डिले। जैसे कि ऑपरेशन मतलब स्टडी किया है कि एक वार्ड में हम एक डोर बस है जाने के लिए नहीं है, एंटर भी उसी डोर से करेंगे और जाते वक्त भी उसी डोर से करेंगे एक वार्ड में, ठीक है। वो कंफर्टेबल है पेशेंट्स के लिए कि एक और दूसरे वार्ड में हम ऐसा बनाएं जिसमें एक एंटर करने के लिए डोर है और जाने के लिए दूसरा डोर है, तो वो कंफर्टेबल है, ठीक है। तो वो ये ऑपरेशन करके देखते हैं जो पेशेंट को कंफर्टेबल है वो फिर अप्लाई करते हैं। तो ये होगा ऑपरेशनल रिसर्च, क्लियर है। एन ऑपरेशनल रिसर्च स्टडी पेशेंट कम्फर्ट विद द परसेप्शन ऑफ द सिंगल एंड डबल कॉरिडोर विद द वार्ड डिजाइन सेलेक्टेड हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड अदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।